विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा मुंबई में आयोजित 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग का आज समापन हो गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों युवक युवतियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। देखिए रिपोर्ट। हिंदू धर्म रक्षण के लिए निरंतर काम कर रहे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग आज संपन्न हो गया। मुंबई सीउट के एसएस स्कूल में आयोजित इस 7 दिवसीय शिविर में सैकड़ों युवक युवतियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें लाठी काठी चलाने और स्वयं सुरक्षा के साथ ही धर्म रक्षा का बौद्धिक ज्ञान और प्रशिक्षण प्रदान किया गया। और विश्व हिंदू परिषद के मुंबई जिला अध्यक्ष लालजी मलिक ने कहा कि प्रशिक्षण शिविर में 18 से 35 आयु वर्ग के ऊर्जावान युवक युवतियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। देश भर में मई ऐसा महीना है जिसमें देश भर में बजरंग दल युवाओं में और जो हमारे देश की जो हमारी बहनें हैं, दुर्गाएं हैं, 18 से 35 साल की आयु का पूरे देश भर में हर प्रांत में इसका प्रशिक्षण वर्ग चलता है। वैसा ही एक वर्ग नवी मुंबई के इस एसएस हाई स्कूल नरूल में आज हो रहा है। इस वर्ग में 18 से 35 साल के जो हमारे युवा हैं और जो ऊर्जावान युवा हैं, उनको शारीरिक और मानसिक बौद्धिक ऐसा प्रशिक्षण 7 दिनों में दिया जाता है, जिसमें सुबह प्रभात काल में उठने से लेकर रात तक लेट सोना और उस बीच में उनको सुबह और शाम शारीरिक व्यायाम के लिए यहाँ पे मैदानों में बुला के बाकी सभी लाठी चलाना, काठी चलाना ऐसा सब प्रशिक्षण और आपके बौद्धिक कक्ष में बौद्धिक ऐसा सारा उनको कि हिंदुत्व के ऊपर हमें कैसे आगे समाज में संगठित करके काम करना है, इसके ऊपर से उनका मार्गदर्शन किया जाता है। लगभग 90 तरुण जो पूरे पालघर से लेके गोवा तक का हमारा कोंकण प्रांत है, उसमें से यहाँ पे आए हुए हैं। इसमें किसको प्रशिक्षण देना है, जो क्षमतावान और जो सक्षम है उन्हीं कार्यकर्ताओं को चयन करके विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रशिक्षण देता है। तो यहाँ अभी 90 शिक्षार्थी हैं और 20 से 25 लोग व्यवस्था में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।